वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम जो मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं 2020 में दिए गए हैं खेल पुरस्कार, इससे निश्चित एक प्रश्न आता है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे बहुत कम समय में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खेल के क्षेत्र में लगभग 5 पुरस्कार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इनमें से सबसे पहले हम नाम देखेंगे एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार ये जो 19 वर्ष से कम के खिलाड़ी होते हैं मध्य प्रदेश के जो निवासी होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद विश्वामित्र पुरस्कार, ये जो उनके प्रशिक्षक होते हैं प्रशिक्षकों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए नहीं है। इसके बाद विक्रम पुरस्कार, जो सीनियर खिलाड़ी हैं 19 वर्ष से अधिक की उम्र के मध्य प्रदेश के निवासी हैं खिलाड़ी, उनको मिलता है। इसके बाद आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कैप्टन रूप सिंह थे उनकी स्मृति में दिया जाता है। और 5वें नंबर पर श्री प्रकाश जोशी पुरस्कार मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल पे पढ़ेंगे एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार इसकी शुरुआत जो हुई थी 1994 सन याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1994 में प्रारंभ, 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी के लिए ये एकलव्य पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के निवासी होते हैं उनको दिया जाता है। पुरस्कार राशि वर्तमान में 2021 के बाद से 1,00,000 रुपए की गई है। ध्यान रखना है पहले 50,000 था, अब 1,00,000 हो गई है। अगर हम बात करें कि एकलव्य पुरस्कार, तो कुल एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए 13 लोगों को दिया है। कितने लोगों को? 13 लोगों को दिया गया है, जिनमें से आप देख रहे हैं कि 6 महिलाएं हैं और 7 पुरुष। 6 महिलाएं और 7 पुरुषों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार 2020 का, थोड़ा सा डिटेल पे देखेंगे। सुषमा वर्मा, तुषिता सिंह, गुरांशी शर्मा, अनुराधा अहिरवार, प्रीति रजक और साधना सेंगर। प्रश्न यहाँ से जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिव्यांग श्रेणी के होते हैं, इसमें गुरांशी शर्मा बैडमिंटन भोपाल की रहने वाली हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस फील्ड पे इन्होंने खेल खेला है और कहाँ की रहने वाली हैं, इसमें से विशेष प्रश्न पूछा जाता है कहाँ की रहने वाली हैं। तो इसको ध्यान से देखना है कि इसको पुरुषों में आ जाते हैं हम तो स्पर्श खरे, अर्जुन सिंह, सुनील डावर, राम मिलन यादव, अंकित शर्मा और शशांक पटेल। और जो समूह में हॉकी के में जैसे साधना सेंगर हैं और ध्रुव राज कुर्रे, ये वेट लिफ्टिंग में हैं, ठीक है, भोपाल के रहने वाले। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन से जिले के रहने वाले हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं ये। सुषमा वर्मा क्याकिंग कैनोइंग सीहोर, तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस भोपाल, गुरांशी शर्मा दिव्यांग श्रेणी में, बहुत इंपॉर्टेंट दिव्यांग श्रेणी में बैडमिंटन भोपाल, अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी भोपाल में, प्रीति रजक शूटिंग से संबंधित होशंगाबाद से, और साधना सेंगर ये समूह एकल में नहीं है, समूह खेल में है साधना सेंगर हॉकी होशंगाबाद, और पुरुष में स्पर्श खरे वुसु खेल है जबलपुर से, अर्जुन सिंह हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी में भोपाल से, सुनील डावर एथलेटिक्स, राम मिलन यादव नौका या सेलिंग में, टीकमगढ़ से अंकित शर्मा फेंसिंग में, ग्वालियर से और शशांक पटेल ताइक्वांडो भोपाल से, ध्रुवराज कुर्रे वेट लिफ्टिंग भोपाल से। इसके बाद 2021 से एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही बता चुका हूं कि पुरस्कार राशि एकलव्य की, ये एकलव्य पुरस्कार की 1,00,000 और अन्य सभी पुरस्कारों की 2,00,000 हो गई है, 2,00,000 हो गई है, पहले एकलव्य की 1,00,000 और बाकी की 2,00,000। विश्वामित्र पुरस्कार भी 1994 से शुरू हुआ, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ऐसे प्रशिक्षक जिनके खिलाड़ी पिछले 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, मतलब कहने का कि एकलव्य पुरस्कार पाए हों या विक्रम पुरस्कार पाए हों, उनमें 2 गोल्ड, 4 रजत या 6 कांस्य पदक उनको मिले हों, ऐसे खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किन्हें दिया गया, तो कुल 3 लोगों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है 2020 में, जिनमें बीरेन दाबास पैरा स्विमिंग पैरा एथलेटिक्स के लिए ग्वालियर के रहने वाले हैं, रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी आर्चरी के लिए जबलपुर के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है, और समूह में डॉक्टर हबीब हसन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं विक्रम पुरस्कार, प्रारंभ 1990 से हुआ, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार सबसे पहले शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश में विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ियों के लिए 19 वर्ष से अधिक उम्र के लिए शुरू किया गया था, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 साल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया हो। पुरस्कार राशि 2,00,000। तो इसमें से हम देखेंगे कि 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार मिले हैं। पुरुषों में 3 नाम, विश्वजीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद,
हर्षवर्धन तोमर, इसमें विवेक सागर प्रसाद, देखिए ये ओलंपियन हॉकी प्लेयर हैं, ओलंपियन हॉकी प्लेयर विवेक सागर प्रसाद, इसको हॉकी में और होशंगाबाद के रहने वाले हैं, ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी हैं। ये भी सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनको विक्रम पुरस्कार मिला है, तो विवेक सागर प्रसाद। विश्वजीत सिंह कैनोई सेलमोन में होशंगाबाद के रहने वाले हैं। हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल खिलाड़ी, ग्वालियर के रहने वाले। महिला खिलाड़ियों में देखिए 7 महिला खिलाड़ी हैं, परिधि जोशी, सुनिधि चौहान, मंजू बावरिया, एकता यादव, पूजा मालवी, प्राची यादव दिव्यांग श्रेणी से। ये याद रखना है कि जैसे कि हमने देखा था कि गुरांशी शर्मा वहाँ पे बैडमिंटन दिव्यांग में, ये कहाँ पे थी देख लीजिए, ये एकलव्य पुरस्कार में गुरांशी शर्मा, और आपका विक्रम पुरस्कार में आप देख रहे हैं प्राची यादव। तो परिधि चौहान घुड़सवारी के लिए, सुनिधि चौहान शूटिंग के लिए, एक इंदौर से, एक भोपाल से, मंजू बावरिया बॉक्सिंग उज्जैन से, एकता यादव सेलिंग या नौका में भोपाल से, पूजा मालवी मलखम्ब से उज्जैन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलखम्ब पूजा मालवी उज्जैन से, प्राची यादव दिव्यांग, और इंपॉर्टेंट है पैरा कैनोइंग में आप देख लीजिए ग्वालियर से, और निधि ननहेठ कराटे बालाघाट से। ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से निश्चित एक प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत काम की जानकारी है, उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू।